फाइनली फ्रेंड्स हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं शादी के लिए। अलीना भी आ गई है, सारा दिखाओ, ये देखिए अलीना भी आ गई, सारा भी आ गई। सारा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अलीना भी रेड कलर के ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है। शादी पे जाने के लिए फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरी फुल लुक। बस अभी बैंगल्स पहनने रह गई और परफ्यूम स्प्रे करना रह गया, वो भी देखिए साथ में अपनी बाकी पूरी फैमिली की लुक। जी जी आपकी लुक देखिए, देखिए बाकी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अम्मी को लुक दिखा दे अपनी, ईशा जल्दी देखो लुक दिखा दे अपनी। हम सारे लोगों की फुल लुक, अभी बाकी लोग भी जैसे ही रेडी होकर आते हैं उनकी भी आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन इन फाइजर फैमिली व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग को पूरा देखिएगा, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, घर की सफाई सुथराई कर ली है, किचन के काम कर लिए, खाना पकाने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि रात का अच्छा खासा सालन बचा हुआ है। तो आपको पूरा घर चेक करवाती हूँ कैसे नीट और क्लीन हुआ हुआ है। माशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह, और ये किचन भी देखें। एंड फ्रेंड्स आज के व्लॉग की खास बात यह है कि शाम को हम लोगों ने जाना है शादी पे, अभी सारी शादी की तियारियां करनी है। सबसे पहले मैं आ गई अम्मी के अलमारी पे, अम्मी का ड्रेस निकालती हूँ, आयरन करती हूँ क्योंकि धूप निकल आई है अच्छी, तो धूप का फायदा उठाते हुए जल्दी जल्दी आयरन कर लेती हूँ क्योंकि सबको पता ही है कि हमारी आयरन सोलर पे चलती है। अम्मी ने मुझे कहा था मेरा टी पिंक कलर का जो ड्रेस है वो आपने आयरन करना है, तो देखती हूँ मेरा टी पिंक कलर का ड्रेस का है। वैसे मैंने अम्मी से कहा था मैं प्लची का सूट पहनूँ लेकिन अम्मी ने मानी, अब अम्मी का वही वाला निकालती हूँ जो अम्मी ने सिलेक्ट किया हुआ है। ये मुझे नज़र आ गया वो वाला ड्रेस, ये रहा है एंड ये है फ्रेंड्स फातिमा की मैक्सी जो फातिमा आज पहनने वाली है। और हिब्बा के लिए मैं सोच रही हूँ, दुबई से हिब्बा का आया था वेलवेट का बहुत खूबसूरत ट्राउज़र है, उसके साथ शर्ट है, हुडी हुडी है, तो मैं सोच रही हूँ हिब्बा को वह पहना दूँ। हिब्बा से पूछती हूँ उसको भी फ्रॉक या लहंगा पहनना है या वो पहन लेगी, लेकिन बहुत खूबसूरत है मौसम के मुनासिबत से, अल्लाह करे हिब्बा मान जाए तो हिब्बा के लिए वही निकाल लेती हूँ। और मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैंने अपने सारे कपड़े जो है वो बैग में रख के अलमारी के ऊपर रख दिए, अब मुझे वो उतारने पड़ेगा, पहले बैग वहाँ से निकालने पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलती हूँ निकाल लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी आयरन करके इस काम से तो फारिग हूँ, फिर नेक्स्ट देखें खुद नहाना है, बच्चों को नहलाना है और जो ज्वेलरी वगैरह पहननी है वो सब चीज़ें निकालनी है। बहुत ज़्यादा काम है और आज की सारी तैयारी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप, तो भी लोग को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अभी चलते हैं ऊपर और मैं अपना और हिब्बा का ड्रेस निकालती हूँ। वो है गाइस वो बैग मैंने पीछे करके रखा हुआ है जिसके अंदर है मेरे कपड़े और वो मैं निकालने लगी हूँ। एक तो चेयर भी हिल रही है, उस पर चढ़ते हुए भी डर लग रहा है। ये है जी बैग जिसके अंदर है मेरी मैक्सी और मेरा दूसरा फैंसी ड्रेस, तो निकाल के आपको दिखाती हूँ। एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही ड्रेस डिसाइड किया कि नहीं, क्योंकि जो शादी है वो हमारे इतने क्लोज रिलेटिव में नहीं है, जस्ट समझें कि अम्मी के कज़न है, उनके बच्चों की शादी है, तो इसलिए पहले से तैयारियाँ नहीं करके रखी हैं, टाइम पर हम जो है वो सारा कुछ डिसाइड कर रहे हैं। ये देखें फ्रेंड्स ये वाला मैं सोच रही हूँ कि आज बारात का फंक्शन है तो मैं अपना ये बारात वाला ही सूट पहन लेती हूँ। अभी मेरे पास एक और ड्रेस था वो मैंने किसी को दे दिया, एक ये मेरे पास ड्रेस है फिलहाल अवेलेबल फैंसी ड्रेसेस के अंदर, और एक है ये मैक्सी। वो मैक्सी तो फ्रेंड्स मैं नहीं पहन रही हूँ क्योंकि ये इस तरह के हैवी ड्रेसेस तो अच्छे लगते हैं कि आपका फैमिली फंक्शन हो उसके ऊपर। ये मैं पहनूंगी इंशाल्लाह ताला जब मेरे किसी फर्स्ट कज़न की शादी होगी, फिर अभी इसको रख देते हैं वापस। और ये तो ड्रेस है हाँ, ये अम्मी का भी एक ब्लैक ड्रेस है, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी मेरे साइज़ का है लेकिन मैं ये भी नहीं पहनूंगी, तो क्योंकि ब्लैक कलर के साथ आपको पता है मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके लिए बड़ा नफीस और बड़ा मेहनत से मेकअप करना पड़ता है, तो और इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बच्चों को भी तैयार करना है। ये है जी इसका ट्राउज़र और ये है इसका दुपट्टा पर्पल। ये वाला ड्रेस मैंने डिसाइड किया है, ठीक है ये और के लिए हिब्बा के लिए मैं सोच रही हूँ कि ये वाला अभी उसे पूछ लेती हूँ, अगर वो मान जाए तो, कि ये इतना सिंपल नहीं पहना जाएगा। हिब्बा से कहती हूँ ये वाला ड्रेस पहन लो तुम इनर के साथ ना, गरम गरम है मौसम की मुनासबत से, अगर नहीं मानेगी तो कोई फ्रॉक या लहंगा निकाल लूंगी, बुला के उसको दिखा देती हूँ। ये अभी मैं नीचे ही रखी हूँ, शाम को वापस आके ये ड्रेस उतार के इसके अंदर रख के इसको फिर ऊपर वापस रखूँगी।
अच्छा मेरा भी हो गया, अम्मी का भी निकाल के आ गई, हिब्बा का उसको दिखा दूँ ताकि फाइनल हो जाए, और फिर अलीना से पूछती हूँ अलीना क्या पहनने वाली है। हिब्बा शाम के लिए आपको ये पहना दूँ? पहना दूँ लहंगा? क्या यही पहनोगी ना फिर? लहंगा थोड़ी पहनोगी इसके ऊपर? अच्छा हिब्बा ये मौसम के मुताबिक, ये देखो इतना सिंपल भी नहीं, इसके साथ आप चूड़ियाँ वगैरह पहनोगी ना तो फैंसी लुक आ जाएगी। लहंगा पहनना है? घर का नहीं है ये भी फॉर्मल है, लेकिन चले मैं आपका लहंगा निकाल देती हूँ। पहनने का बन गया, एक दफा अभी आपने पहना नहीं, एक दो दफा कहीं आपको पहनाऊंगी फॉर्मल और फिर उसको रफ यूज में। आपका लहंगा मैं निकाल देती हूँ, नहीं मम्मा की कपड़े तो छोड़ दिया जाए, मैं आपका लहंगा निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स हिब्बा स्ट्रेस के लिए बिल्कुल भी नहीं मानी है, तो हिब्बा का भी मैं निकाल रही हूँ लहंगा। ऑरेंज है पर्पल? ऑरेंज पर्पल फ्रेंड्स मैं नहा ली हूँ और मैंने कपड़े वगैरह भी सारे आयरन कर लिए हैं, ये मैं देखे मेरे बैग में मैंने कपड़े आयरन करके रख दिए हैं, बच्चों को भी नहला दिया है। अभी हनी और गनी के लिए रात के खाने का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना है तो किचन में चलते हैं। मैंने चिकन मेरीनेट करके रख दिया था, हनी के लिए फिश को मसाला लगा के पहले ही रखा हुआ था, देखती हूँ 4 बज गए हैं, जल्दी जल्दी कुकिंग थोड़ी सी कर लूँ, उससे फारिग होते होते भी 5 बज जाएंगे। ये है चिकन जो मैंने मेरीनेट करके रखा था गनी के लिए, और फातिमा कह रही है मुझे खाना गर्म कर दें, तो ये रात के थोड़े से राइस हैं ये मैं फातिमा को गर्म कर देती हूँ। एंड फ्रेंड्स ये है फिश, उस दिन की बची हुई है, 2 पीस हैं ये। हनी के लिए डिनर के लिए फ्राई करके रखने हैं, तो ये थोड़ा सा कुकिंग का काम कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या तैयारी हम लोग स्टार्ट करने लगे। फ्रेंड्स ये देखते हैं चिकन टिक्का की क्या सूरत हाल है अभी, तो अभी इसमें है पानी, इसको वापस रख देते हैं गलने के लिए। और ये मैंने बना ली है चाय, चाय मैंने बना ली है, तो गनी अलीना को बुलाया वो भी आ रहे हैं। अम्मी को मैंने चाय दे दी, अम्मी ठीक बनी है? बहुत अच्छी बनी है। और ये मैं अपनी चाय लेके बैठती हूँ, चाय पीती हूँ। चाय के साथ अम्मी है कुछ खाने के लिए? नहीं, इसके अलावा बिस्किट है कोई से? चले फ्रेंड्स खाली चाय पीते। फ्रेंड बच्चों को इतनी जल्दी पड़ी हुई है, मुझे बार बार कह रहे हैं रेडी कर दो रेडी कर दो, और हिब्बा को आगे पीछे खाए ना खाए, आज हिब्बा को इतनी भूख लग रही है, ये देखें कभी आ रही है मुझे मम्मा कुछ दें बार बार खाने के लिए कुछ ना कुछ मांग रही है, इसे मैंने कहा थोड़ी सी भूख रख भी लो ताकि वहाँ जाके आपसे कुछ खाया जाए। और फ्रेंड्स ये हम लोगों ने रेडी कर लिया है सलामी का एनवेलप, हमारी फैमिली की तरफ से ये जाएगा दुल्हन को, तो ये आज हम देने वाले हैं दुल्हन को सलामी का लिफाफा, जिसे इंडिया में कहा जाता है शगुन का लिफाफा, हमारे यहाँ पे कहा जाता है सलामी, तो ये आज हम देंगे दुल्हन को। अल्लाह पाक खैर खैरियत के साथ करवा दे उनकी शादी। अभी फ्रेंड्स ये देखें मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, रेडी होके मैं आपको दिखाऊंगी अपनी फुल लुक, अभी मेरा हेयर स्टाइल देखा रहता है, मेरा मेकअप रहता है, और अम्मी ने भी चेंज कर लिया, और अम्मी का आपको दिखाती हूँ इतना सिंपल मेकअप अम्मी करती है, जस्ट बीबी क्रीम और लिपस्टिक और काजल, और इतनी ब्यूटीफुल लगती है माशाल्लाह, और आज का मेकअप ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें फ्रेंड्स सारा भी वही काम कर रही है जो हमने किया था, एनवेलप एक ले लिया है और उसमें डालने लगी है पैसे, और ये अम्मी भी देखें अम्मी ने भी ड्रेस चेंज किया, मेकअप अम्मी रहता है ना अभी आपका बहुत ज़्यादा कुछ भी, और ये शूज़ भी अम्मी ने भी घर के पहने में, तैयार हो जाएं फिर आपकी भी फुल लुक दिखाती हूँ, वन बाय वन सबकी फुल लुक दिखाती हूँ, जो जो लोग रेडी हो गए। हिब्बा शूज़ दिखाएं अपने, हिब्बा ने ये पहनी है हील्स एंड ये पहना है लहंगा पर्पल कलर का, पर्पल बहुत ब्यूटीफुल हिब्बा ने मेकअप किया है। पहले ही नहीं हमने सबको दिखा दे लो, पहले ऊपर जाना है फिर मेरा बाल सेट करना है, खुद स्ट्रेट करके दोबारा दिखा देती हूँ। ओके ओके और ये है जी अम्मी, अम्मी ये रेडी होके बैठ गई, अम्मी का ड्रेस इतना खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी अब लग भी बहुत अच्छी रही हैं, कुछ नहीं लगाया हल्का पिंक का कुछ लगाया। ये है ईशा की फुल लुक, ईशा के शूज भी बहुत ब्यूटीफुल है, और ईशा ने पहना है रेड कलर का ड्रेस, फातिमा ने चेंज कर लिया लेकिन अभी रेडी नहीं हुई है, मुझे पा रही अपना, चलो रेडी हो रहा फिर दिखाती हूँ। एंड फ्रेंड्स ये मैंने भी मेकअप वगैरह कर लिया है, मेरे बाल स्ट्रेट होने वाले रह गए, शूज पहनने वाले रह गए, मैं भी रेडी होकर आपको फुल लुक दिखाती हूँ मेरा ड्रेस। देखिए मोहम्मद भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, हेलो मोहम्मद। फ्रेंड्स आज शादी पे जाने के लिए अम्मी मैं और हमारी पूरी फैमिली तैयार हो चुकी है, ये देखें हिबा बस मैं जा रही हूं, मैं ट्यूनिंग कर रही हूं पर्पल पर्पल, एंड ये है ईशा, ईशा और अलीना ट्यूनिंग कर रहे हैं, ईशा का और हिबा का, ईशा का और अलीना का रेड है, मेरा और हिबा का पर्पल पर्पल, इतने लंबे क्यों, नीचे फोकस करो कैमरामैन, नीचे मैंने इन दोनों को चेयर पे खड़ा किया।
साथ में आप दोनों के लुक दिखा दूं। ये भाई इसकी लिपस्टिक भी देख लें, रेड रेड। मोहम्मद को भूल गई थी तो मोहम्मद ने मुझे रिमाइंड कराया कि मुझे भी दिखा दें। ये देख लें मोहम्मद की फुल लुक। ये बस साइड पे हो सारा। ये देखें भाई मोहम्मद रेडी हो गए हैं नया सूट पहन के। और ये मेरी डॉल फाइनली फ्रेंड्स हम सब लोग रेडी हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं शादी के लिए। अलीना भी आ गई है। सारा दिखाओ, ये देखिए अलीना भी आ गई, सारा भी आ गई। सारा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अलीना भी रेड कलर के ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है। तो आज के व्लॉग को फ्रेंड यहाँ पे एंड कर रहे हैं। गनीर भाई साहब फैमिली व्लॉग को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। लेकिन मेरे जैसा प्यारा कोई भी नहीं लग रहा। कल मिलेंगे। बाय बाय।